Hello students, I am shivastav from mother side of play preparatory point. My friends, all of you know that nowadays all of us fighting with coronavirus, and due to this we can't go anywhere. So the director of our school is decided that now all teachers of this school teach their students with the help of YouTube channel, that is Mother Shadow Preparatory School. My friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन दिनों हम सारे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्री जो है कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, अपने घर में हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों से बचने के लिए. और अगर बचने के साथ साथ हमारा जो बच्चों के बीच का इंटरेक्शन है, मतलब कि क्लासेस जो है, ये भी थोड़ा सा होता तो बच्चों को भी घर बैठे बैठे बोरिंग फीलिंग नहीं होता. तो हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर सर हैं, अंजनी सर, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बच्चों के बीच हम लोगों के जो पढ़ाई का कंटेंट है उसको डालेंगे, और व्हाट्सएप के माध्यम से उसका होमवर्क जो है उनके पेरेंट के पास पहुँचाएँगे, और उनका जो क्वेरी रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे. तो आज हम लोग इंग्लिश का बेसिक पढ़ेंगे. इंग्लिश अपने आप में क्या है, ये कहाँ से आती है, और ये बेसिक है. आप जहाँ से इसके स्टार्टिंग होती है वहाँ से हम लोग काम करेंगे आज से. तो देखिए, ये आपका इंग्लिश है. अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या होता है, तो आपको बताना है कि इंग्लिश जो है ये अपने आप में एक लैंग्वेज होती है. इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है. दैट इज़ लैंग्वेज का जो हिंदी होता है भाषा. और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लैंग्वेज क्या होती है, तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट. मतलब ये कि भाषा वह माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने हृदय की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं. जैसे आप सपोज कीजिए, आपको आज से आपने 200 साल पहले या 500 साल पहले जो है आप जीवित तो थे नहीं, लेकिन उन दिनों का जो स्टोरी है, कहानी है, वो भी आपके सामने है. तो वह इसलिए क्योंकि वो आपकी किताब में लिखा हुआ है. तो एक आपका हो गया लिखित भाषा, मतलब कि रिटन लैंग्वेज हो गया. और अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो ये आपका हो गया ओरल, मतलब मौखिक. और आपसे अगर आप अपने घर में आपको कुछ लेना होता है तो अपने मम्मी को या पापा को इशारा करते हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, या मतलब कि इधर आना, वहाँ जाना, ऐसे बोलते हैं बैठिए. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपका है डिनोटिंग, मतलब कि इंडिकेटिंग. आप बोल सकते हैं इसको सांकेतिक भाषा. मतलब ये कि लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट. भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने हृदय के अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं. और आपका लैंग्वेज ये तीन टाइप का होता है, रिटेन, ओरल एंड डिनोटिंग. और आपसे मैं बात करूं कि ये लैंग्वेज आती कहाँ से है, तो जब तक हम लोग किसी चीज़ को बोलेंगे नहीं तब तक लैंग्वेज आएगा नहीं. तो किसी चीज़ को हम बोलते हैं तो बोलने के दरमियान हमारे मुंह से जो साउंड निकलती है, उसी साउंड से जन्म हुआ किसका, लैंग्वेज का. मतलब ये कि लैंग्वेज कहाँ से आती है, साउंड से आती है. और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस सिंबल का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, लेटर. इसका मतलब जानते होइएगा, इसका हिंदी अक्षर होता है. और अगर मैं आपसे बात करूं कि लेटर होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि लेटर इज द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड. मतलब ये कि आपका जो साउंड है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जिस सिंबल का यूज किया है उसको हम बोलते हैं लेटर. तो ये अपने आप में एक सिंबल है. हालांकि बच्चे लोगों के बुक में लिखा होता है कि लेटर इज द, या सॉरी, द लेटर या अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड. मतलब ये कि लेटर जो है ये आपके शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है. लेकिन मैं आपको ये चाहूँगा बताना कि अभी आपने लेटर के आगे पढ़ना है शब्द, मतलब कि वर्ड. अभी आपने वर्ड पढ़ा ही नहीं, तो आप वहाँ मत जाइए. आप इसको ऐसे पढ़िए कि साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज़ करते हैं
उस सिंबल को बोलते हैं लेटर। और अगर आज के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि ये होता क्या है, तो आपको बोलना ये है कि लेटर इज द रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जिस सिंबल का इस्तेमाल करता हूं दैट इज लेटर, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटर। अब अगर आपसे मैं आगे बात करूं तो लेटर ये जहां से आती है वो अल्फाबेट होती है, और आप जानते हुएगा अगर मैं आपसे बात करूं इसकी हिंदी के बारे में तो इसका हिंदी होता है अक्षर, और ये जहां से आता है वो आपका हो गया वर्णमाला, वर्णमाला का इंग्लिश होता है अल्फाबेट। मतलब ये कि जब हम लेटर को ए टू जेड पूरा अरेंज करके लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, अल्फाबेट। कभी कभी बच्चा फंस जाता है, क्यों फंसता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए और आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है लेटर और यहाँ लिखा हुआ है अल्फाबेट, और बच्चों से पूछा जाता है कि जो हमारा ए है ये अपने आप में एक लेटर है कि अल्फाबेट है, तो बच्चा फंस जाता है कि इसको हम क्या बोले, लेटर या अल्फाबेट। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि अल्फ़ाबेट हमेशा आपका आता है ग्रुप में, ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा के पूरा ग्रुप में आएगा, तब वहाँ पे होगा वो अल्फ़ाबेट। उसका हिंदी होता है वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का समूह, मतलब ये हमेशा ग्रुप में आएगा। लेकिन आप लेटर के बारे में अभी पढ़े हैं कि लेटर इज द सिंबल बाय विच वी रिप्रेजेंट साउंड, मतलब साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लेटर। ये हमेशा आपका अकेले आता है। अब मैं अगर आपसे बात करूँ तो मतलब ये कि कुछ बच्चे जो है यहाँ फंसते हैं कि अल्फ़ाबेट को वो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, तो आप इन चीज़ों को समझिए। आपका अल्फ़ाबेट जो है ये अपने आप में 26 है, और 26 का मतलब ये हो गया कि अपने आप में प्लूरल, और जो चीज़ पहले से प्लूरल उसको हम नहीं बनाते बाद में, तो उसको हम बाद में नहीं बनाएंगे प्लूरल। इसका मतलब ये हुआ कि वी कांट ऐड एस, हम लोग अल्फ़ाबेट में एस को नहीं जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो अब इसका हिंदी वर्णमाला नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, आपका भाषा। और यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं। तो हम जितना चीज पढ़ाए हैं हम चाहेंगे पहले उसको एक बार फिर से रिवाइज करें, इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएं। हम शुरू किए हैं आज इंग्लिश का बेसिक, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका इंग्लिश अपने आप में क्या होता है। तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा क्या होता है तो आपको ये बताना है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने हृदय के अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। अब रही बात ये कहाँ से आती है, तो भाषा को बोलने के लिए हमको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, और हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, साउंड। दैट मीन्स लैंग्वेज इज फॉर्म्ड बाय साउंड, मतलब आपका जो लैंग्वेज है इसका जन्म साउंड से होता है। अब ये साउंड क्या होता है, तो आप समझ गए कि किसी भी चीज को हम चाहते हैं, किसी भी चीज़ के माध्यम से हम चाहते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, और उसके लिए हम जो चीज़ बोलते हैं वही आपका साउंड है, और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज करते हैं उस सिंबल को बोलते हैं क्या, लेटर। अब आप समझ गए हैं कि लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है। या आपके सामने अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये आपका लिखा हुआ बी, और आपसे आपके सर पूछें कि जो हमारा बी है ये लेटर है कि अल्फ़ाबेट है, तो आपको ये बातें जो है समझ में आ चुकी है कि लेटर हमेशा अकेले आता है जबकि अल्फ़ाबेट हमेशा आपका ग्रुप में आता है, और आपको अल्फ़ाबेट बोलिएगा अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलिएगा। अब चलिए हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब जब ये चीज़ लेटर से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो हमको मिलेगा क्या कि जो हमारा लेटर है इसका तीन टाइप होता है, एक आपका हो गया वोवेल साउंड, एक आपका हो गया कंसोनेंट साउंड, और एक को बोलते हैं क्या, सेमी वोवेल। तो चीज़ों को समझिए, सेमी वावेल वी ओ डब्ल्यू ई आर डब्ल्यू ई एल सेमी वावेल। अब यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप अगर चाहेंगे हमसे पूछना तो हमसे आप पूछ सकते हैं कि सर अल्फ़ाबेट में 26 लेटर ही क्यों होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 27 क्यों नहीं होता, 25 क्यों नहीं होता है। तो थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझिए कि आपके सामने जित लैंग्वेज में जितनी भी चीज़ आती है सबको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 26 लेटर ही आता है यूज में। हालांकि जब इन चीज़ों को आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि साउंड आपका 44 है जबकि आपका जो लेटर है, आपका जो लेटर है इसकी संख्या केवल 26 है।
अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर जब साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर आया तो नंबर ऑफ साउंड आपका ये 44 है जबकि हमारा लेटर 26 है, ये कैसे होता है? तो आप यहाँ पे समझ गए इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि 44 IP इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, मतलब ये कि जब आप जाएंगे गूगल पे और वहाँ आप सर्च करेंगे तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट देखेगा तो वहाँ मिलेगा आपको 44 साउंड, और 44 साउंड को हम लोग प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग 26 में किए हैं, इसको क्या बोलते हैं उसको, 26 जगह इनको मिला है, सिंबल इनको मिला है। ऐसे क्यों, तो सुन लीजिए। जैसे सपोज करो आप कि हम लोग देखिएगा यहाँ पे, स्टॉप कीजिए उसका।